खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर बस्सी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या का खुलासा पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया है और वहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिरकार इतनी बड़ी वारदात का किस प्रकार से 24 घंटे में खुलासा किया गया है, सीधा आप सभी को दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। बस्सी पुलिस ने हत्या की वारदात का महज 24 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दरअसल ये पूरा मामला युवक की हत्या का है। मृतक युवक के पिता के मुताबिक उसका बेटा बिजली फिटिंग का काम करता था और 29 नवंबर को काम के लिए घर से निकला था। पिता का आरोप है कि बीच रास्ते में राज उर्फ गोलू और 4 अन्य लड़के उसके बेटे को अपने साथ ले गए और उसके साथ जम करके मारपीट भी की, जिसके बाद गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद में आरोपियों ने विक्की का शव धौक टोल प्लाजा के समीप जंगलों में फेंक दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और महज 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उनके पास में रोही है, उस रोही में एक डेड बॉडी मिली थी जिसके सर में चोटों के निशान थे एवं जेब में कुछ छोटी मोटी डायरी और ये सारी चीज़ें मिली। तो SHO बस्सी भूपेंद्र, ACP बस्सी सुरेश, इन्होंने घटनास्थल के हालात के बारे में मुझे बताया तो मैंने भी जाकर मौके पे स्थिति का अवलोकन किया और हम लोगों ने सबसे पहले मृतक की पहचान को सुनिश्चित किया और मृतक की पहचान सुनिश्चित होने के साथ ही यह बात सामने आई कि नाहरगढ़ थाने के एक इलाके से 25 वर्षीय युवक विक्की अपने घर से गया हुआ है और लौटा नहीं है। उसकी माँ और फादर काफ़ी इसको लेकर चिंतित भी थे। जब यह पहचान क्लियर हुई तो आगे हमारी टीम ने काम करते हुए देखा तो यह सामने आया कि विक्की एक रेशमा हैं, उन्हीं के इलाके में रहती हैं। उनका मकान किराए पे इसने लिया था। उनका बेटा दीपक है, उस रेशमा के पुत्र वधू से इसके संबंधों की बात उस लोकेलिटी में सामने आने लगी तो झगड़े होने के बाद में विक्की ने वह मकान खाली कर दिया। वह मकान खाली करने के बाद इधर यह उस मोहल्ले में चर्चा का विषय था तो रेशमा ने अपने छोटे बेटे गोलू, जो कि थोड़ा बहुत प्रवृत्ति का है, उससे इस संबंध में बातचीत की तो उसने अपने 4 साथी, मतलब 3 और साथी, जिसमें कि एक अन्य दीपक है, अनिल है और एक कानारा, किन तीनों को साथ में लिया। स्कॉर्पियो रखता है और अपनी माँ के साथ में इन्होंने मृतक को अपने साथ लिया और टोंक की तरफ लेके चले गए। ड्रिंक भी की चारों ने।